शिक्षा विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है और मैं हूँ आपकी मालिमा शेख अमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तालबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। Thank you.
जमात अव्वल। हमारा परचम। आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, उसका नाम है हमारा परचम। सफा नंबर 59। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा परचम, आवर फ्लैग, ये हमारी पहचान है, हमारा परचम। ये हमारा परचम है, ये हमारा परचम है। प्यारे बच्चों, जब मैं पढ़ूं तो आप भी मेरे बात पढ़िए। ये हमारा परचम है। इसमें तीन रंग हैं, इसमें तीन रंग है, ये हमारा परचम है, इसमें तीन रंग है, एक दो तीन, इसमें तीन रंग है। इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तिरंगा कहते हैं। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, परचम है, ये हमारा परचम है। इसमें कितने रंग है, तीन रंग है, इसलिए इसे कहते हैं
तिरंगा, तीन रंग वाला परचम, यानी इसे कहते हैं तिरंगा। ऊपर जाफरानी रंग है, ऊपर जाफरानी रंग, जाफरानी रंग यानी नारंगी, यानी संतरे का इंग्लिश में कहेंगे ऑरेंज कलर, ऊपर जाफरानी रंग है। तो ये तिरंगा है हमारा, हमारा परचम है, सबसे ऊपर कौन सा रंग है? जाफरानी। बीच में सफेद रंग है, बीच में सफेद रंग है। नीचे हरा रंग है, नीचे कौन सा रंग है? हरा रंग है, ये हरा रंग है। नीचे कौन सा रंग है? हरा। ऊपर जाफरानी, बीच में सफेद, और नीचे जो है वो हरा रंग है। इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। सफेद पट्टी में एक चक्र है, ये जो सफेद पट्टी है उसमें एक चक्र है, सफेद पट्टी में एक चक्र है। उसका रंग नीला है, उसका रंग नीला है, किसका रंग नीला है? चक्र का। सफेद पट्टी में एक चक्र है और उस चक्र का रंग कैसा है? नीला है। इसे अशोक चक्र कहते हैं, ये जो चक्र है इसे क्या कहते हैं? अशोक चक्र, इसे अशोक चक्र कहते हैं। हम कौमी त्योहारों पर अपनी परचम को सलामी देते हैं, हम कौमी त्योहारों पर अपने परचम को सलामी देते हैं। कौमी त्योहार यानी प्यारे बच्चों 15 अगस्त और 26 जनवरी जो हमारा आजादी का दिन होता है, और 1 मई यानी मजदूरों का दिन, तब हम क्या करते हैं? कौमी त्योहार मनाते हैं और उस वक्त परचम को सलामी देते हैं। इस तरह से हैप्पी रिपब्लिक डे, और झंडे को इस तरह से हम सलामी देते हैं, है ना प्यारे बच्चों? झंडा लहराते हैं और सलामी देते हैं। और ये कौमी त्योहार मुल्क के हर इलाके में, हर गांव में, हर शहर में, हर जगह मनाया जाता है। और बच्चे क्या करते हैं उस दिन? ड्राइंग भी बनाते हैं कौमी त्योहारों का, झंडा लहराते हुए इस तरह से ड्राइंग भी बनाई जाती है। हमें अपने परचम से मोहब्बत है, ये हमारे वतन की इज्जत है। तो हमें अपने परचम से क्या है प्यारे बच्चों? मोहब्बत। हमें अपने परचम से मोहब्बत है, ये हमारे वतन की इज्जत है, ये हमारे वतन की इज्जत है। कौमी त्योहार हर जगह खुशी से मनाया जाता है, उसके लिए बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं, स्कूल को सजाया जाता है, अगर कहीं मैदान वगैरह में मनाया जाए तो वहां भी वो सजाया जाता है। उसके बाद
वहां झंडा लहराया जाता है, कौमी तराना गाया जाता है, राष्ट्रीय गीत हम पढ़ते हैं ना जनगण मन, वो पढ़ा जाता है और झंडे को सलामी भी दिया जाता है। और हर हिंदुस्तानी को, हर एक को, औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, हर हिंदुस्तानी को अपने परचम की इज्जत करना है और उसको सलामी देना है और अपने परचम से मोहब्बत करना है। और परचम क्या है? हमारे वतन की इज्जत है, इसलिए उसे रास्तों पर फेंकना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि छोटे छोटे झंडे भी लेते हैं, उसको थोड़ा खेलते हैं, उसको लहराते हैं, उसके बाद ऐसे ही फेंक देते हैं रास्तों पर। तो बिल्कुल भी उसको रास्तों पर नहीं फेंकना है, झंडे की बेहुर्मती नहीं करना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो हमें अपने परचम से मोहब्बत करना है उसकी, और उसको संभाल कर रखना है। हम एक बार और सबक पढ़ेंगे, हमारा परचम, ये हमारा परचम है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारा परचम है, इसमें तीन रंग है, इस परचम में तीन रंग है, इसलिए उसे तिरंगा कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? तिरंगा, यानी तीन रंगों वाला। ये हमारा परचम है, उसमें तीन रंग है, इसलिए उसे कहते हैं तिरंगा। ऊपर जाफरानी रंग है, बीच में सफेद रंग है, नीचे हरा रंग है। तो हमारा जो परचम है, हमारा जो झंडा है, उसमें जो है तीन रंग है, ऊपर जाफरानी है, बीच में सफेद है और नीचे हरा रंग है, इसलिए उसे तिरंगा कहते हैं। सफेद पट्टी में एक चक्र है, सफेद पट्टी जो बीच में सफेद रंग है उसके, उस पट्टी पर बीच में एक चक्र है और उसका रंग कैसा है? उसका रंग नीला है, उसे अशोक चक्र कहते हैं। इस चक्र को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। तो ये हमारा परचम है, इसमें तीन रंग है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। ऊपर जाफरानी रंग है, बीच में सफेद रंग है, नीचे हरा रंग है, और जो सफेद पट्टी है बीच में उसमें एक चक्र है और उसे, वो कौन से रंग का है? नीले रंग का है, और उसे क्या कहते हैं? अशोक चक्र। हम कौमी त्योहारों पर अपने परचम को सलामी देते हैं। कौमी त्योहार यानी 15 अगस्त और कौन सा है? 26 जनवरी और 1 मई, ये हमारे कौमी त्योहार है, और उस वक्त हम अपने परचम को सलामी देते हैं। हमें अपने परचम से मोहब्बत है, ये हमारे वतन की इज्जत है। तो हमें अपने परचम से मोहब्बत है ना? बिल्कुल है, ये हमारे वतन की इज्जत है।
मशकी सरगर्मियां सफा नंबर 59 पर है। जो हमारा सबक है वो खत्म हो चुका है, उसी सफे पर मशकी सरगर्मियां दी गई हैं। अब हम उसको हल करेंगे। देखो और लिखो, देखो और लिखो। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है और फिर उसको लिखना है। परचम, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, परचम। रंग, रंग। तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा। परचम, रंग, तिरंगा। आप इसको ध्यान से देखिए किस तरह लिखा हुआ है और फिर अपने ब्याज में लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए। जाफरानी सफेद हरा, जाफरानी सफेद हरा। पट्टी अशोक चक्र, पट्टी अशोक चक्र, पट्टी अशोक चक्र। नीला तहवार सलामी, नीला तहवार सलामी, नीला तहवार सलामी। मोहब्बत इज्जत, मोहब्बत इज्जत, मोहब्बत इज्जत। तो हमने सब अल्फाजों को देखा, अब आप क्या करेंगे, अपने ब्याज में लिखेंगे। दूसरी सरगर्मी है खाली जगह में मुनासिब लफ्ज लिखो, खाली जगह में मुनासिब लफ्ज लिखो। सबसे पहला है सफेद, खाली जगह में एक चक्र है, सफेद खाली जगह में एक चक्र है। तो यहाँ खानापुरी में क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये जो खाली जगह है इसको हमको भरना है, क्या लिखेंगे, पट्टी। सफेद पट्टी में एक चक्र है, किस तरह पढ़ेंगे, सफेद पट्टी में एक चक्र है। दूसरा है हम कौमी त्योहारों पर अपने परचम को खाली जगह देते हैं, हम कौमी त्योहारों पर अपने परचम को खाली जगह देते हैं, क्या देते हैं, सलामी। हम कौमी त्योहारों पर अपने परचम को सलामी देते हैं। सफेद पट्टी में एक चक्र है, हम कौमी त्योहारों पर अपने परचम को सलामी देते हैं।
तीसरी खाली जगह है, हमें अपने परचम से खाली जगह है, हमें अपने परचम से खाली जगह है, हमें अपने परचम से क्या है, मोहब्बत, हमें अपने परचम से मोहब्बत है। चौथी खाली जगह, ये हमारे खाली जगह की इज्जत है, ये हमारे खाली जगह की इज्जत है, वतन की इज्जत है, ये हमारे वतन की इज्जत है, हमें हमें अपने परचम से मोहब्बत है, हमें अपने परचम से मोहब्बत है, हमें अपने परचम से मोहब्बत है, ये हमारे वतन की इज्जत है, ये हमारे वतन की इज्जत है। तो प्यारे बच्चों, हमने मश्क की सरगर्मियां भी अच्छी तरह से कर ली हैं, आप इसे अपने ब्याज में जरूर लिखिए, सबक को 2-3 बार दोहराइए, अपने वालदा को भी सुनाइए, अपने भाई बहनों को सुनाइए। तो चलते हैं, हम फिर मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज का सेशन यही खत्म होता है, हम फिर मिलेंगे अगले एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको, तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म, गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मश कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी, तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको उसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा।
और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको जहन नशीन कर लीजिए, और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको जरूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए, और हम मिलते हैं अगले सेशन में।